हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 3,200 जीवन रक्षक इंजेक्शन एवं 100 ऑक्सीजन मशीनें भेंट। रूमा देवी ने स्वास्थ्य विभाग की मांग पर एक सप्ताह में ही उपलब्ध करवा दिए उपकरण। हस्तशिल्पी डिजाइनर व ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्था अध्यक्ष रूमी देवी ने जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के जीवन की रक्षा के लिए काम आने वाले 3,200 जीवन रक्षक इंजेक्शन जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव को सुपुर्द किए। रूमा देवी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध पत्र प्राप्त होने के बाद एक सप्ताह के भीतर ही जितने इंजेक्शन की मांग की गई थी वे तत्काल स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को उपलब्ध करवा दिए गए। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए CHC व PHC केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट किए सुपुर्द। रूमा देवी ने बताया कि बाड़मेर जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CHC व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PCC को आवश्यकता के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेट संस्था की टीम द्वारा प्रत्येक CHC व PCC केंद्रों पर जाकर संबंधित अधिकारियों को ऑक्सीजन मशीनें उपलब्ध करवाई गई, जिसमें सिंदरी बायतू धनाव निम्बल कोट के प्रत्येक चौटन व चवा CHC पर 5-5 ऑक्सीजन मशीनें, जसोल कल्याणपुर पचपतरा पटौदी CHC पर 4-4 मशीनें और बाटाडू CHC पर 3 मशीनें व जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PCC दूधवा चांदेसरा असाड़ा किटनौद पारलू कांकरला अराबा कोनरा मंडली सारवड़ी बरनावा व नवादला इत्यादि प्रत्येक केंद्रों पर 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेट मशीनें भेंट की गईं। इस दौरान रूमा देवी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु संस्था द्वारा निम्न संस्थान उपलब्ध करवाए, जिसमें ग्रामीणों को आपात समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के मरीजों में आपात समय के दौरान भय की स्थिति पैदा ना हो, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके, जिसके तहत जरूरत अनुसार जिले के PHC व CHC केंद्रों को ऑक्सीजन कंसंट्रेट उपलब्ध करवाए गए। गणेश बोसिया महाबार, गौरव व सुरेश गोदारा पनावड़ा, मास्टर टीकू राम कड़ेला, भगाराम गोयल, अजय चौधरी वागाराम, देरा राम हिंगड़ा, धनेश्वरी देवी कमला देवी सहित संबंधित PHC व CHC केंद्र के अधिकारीगण चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की खास रिपोर्ट।